Hello students, a very warm welcome once again to all of you. So today we are supposed to start a very important and new topic of class 12th, that is wave optics. अगर आप अपने competitive exams की बात करें तो इस chapter से आपका interference और diffraction दो ऐसे concepts हैं और हाँ polarization भी, खास करके JEE mains और NEET exam के लिए कि इन तीन छोटे छोटे टॉपिक्स पे बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस पूछे जाने की. तो एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारी जो फर्दर कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं खास करके ऑप्टिक्स में, वो यहाँ पे अगर हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं सो इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर अस फॉर अदर एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स. फाइन, तो इस पूरे वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के समझिएगा. अगर रे ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत कमी रहती है चलेगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में आप ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो कि मतलब किस सेगमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है. लेकिन अगर आप इसको देखो तो YDSE एक ऐसा टॉपिक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है. इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ, पूछा ही जाता है. ठीक है, सो इट्स रियली अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल इंटायर कॉन्सेप्ट. ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बैक में चलते हैं, बैक इन द सेंस जो पिछले कॉन्सेप्ट से जरा उनकी बात करते हैं कि हम लोग ऑप्टिक्स में पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ के अब क्यों वेव ऑप्टिक्स पे हम जाना चाहते हैं. ठीक, अच्छा, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. सो इफ द डिवाइस विच आई एम सपोज टू यूज फॉर एनालिसिस ऑफ द आउटकम, तो हम अगर बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं लाइक लेंस या मिरर, तो वो हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, आइए. तो अभी तक क्या था कि इमेज फॉर्मेशन by lens, ठीक है, mirror, ठीक है. अच्छा, अब lens से जुड़े devices जिसमें कई lens लगे रहते हैं, जैसे कि मैं कहूं telescope, ठीक, ये कुछ नहीं है बल्कि combination of lenses ही है. ठीक है, so image formation by lens, mirror and telescope, ये सब जब हमने पढ़ा तो हमारा कंसिडरेशन था रे ऑप्टिक्स का. ठीक, एंड टेलीस्कोप वी फोकस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स. ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, मिरर एंड टेलीस्कोप, वी फोकस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स. क्या कहती है रे ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स ने कहा कि लाइट रेज जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं. सो रे ऑप्टिक्स का जो थीम था, जो क्रक्स ऑफ द मैटर था, जो कहना चाहिए एक मतलब सोल ऑफ द कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि लाइट रेज ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन. ठीक, सो मेन कॉन्सेप्ट इज लाइट रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, कहीं भी बेंडिंग नहीं होगी. ठीक, ये तो आइडिया था. अब जरा देखते हैं कि क्या ये सही है. आप कहोगे सर इतने दिन जो पढ़ा वो गलत था क्या? क्या लेंस से मिरर इमेज बनना, द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मतलब टेलीस्कोप से हम अगर चांद पे देख पा रहे हैं, माइक्रोस्कोप से वी कैन ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स इन आवर लेबोरेटरीज, सो ऑल दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई वॉन्ट टू इनहेंस माई एक्सपोजर. क्या एक सपोज एक साइकिल से मैं जा सकता हूं 5 किलोमीटर,
ठीक है, 8 किलोमीटर चला जाऊंगा, 10-12 किलोमीटर चला जाऊंगा, लेकिन क्या जितनी कंफर्टेबल प्रोसेस में मैं 5-10 किलोमीटर साइकिल से चला जाऊंगा, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट 100 to 200 किलोमीटर डिस्टेंस बाय द बाइसिकल? ठीक है, लोग करते हैं, लोग पैदल भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जाते हैं, बट साइकिल से उतना आसानी से तो हम नहीं जा सकते, बहुत टाइम लगेगा, बहुत थकान आएगी। सो अगर हमें जल्दी पहुंचना है, देन वी हैव टू यूज अ इंजन ड्रिवन व्हीकल, बाइक, कार, समथिंग लाइक दैट। सो सेम इज द आइडिया ओवर हियर। ठीक है, रे ऑप्टिक से हमारे स्ट्रेट लाइन में चलने के कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन जरा प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट जो कि लाइट से जुड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको एक एक्चुअल व्यू देता हूं। ये ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, मैं अपना हाथ ऐसे ले जाता हूं तो देखिए मेरे हाथ की शेडो बन रही है। ठीक है, अब अगर रे ऑप्टिक्स की बात हम परफेक्टली सच मान लें कि भाई स्ट्रेट लाइन में ही चलती हैं, तो होना ये चाहिए कि जब मैं अपना हाथ ऐसे रखूं शेडो बने, तो वो शेडो बिल्कुल डार्क ब्लैक बननी चाहिए, ब्लैक 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 लाइक दिस, ब्लैक लाइक दिस, ऐसी ब्लैक बननी चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, आप देखिए ना, ये थोड़ा सा यहां पे डार्क है, फिर यहां पे ग्रीन है, फिर लेस ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? शैडो पूरी तरह ब्लैक नहीं बन रही है। सो यू मे थिंक कि अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही होती लाइट रेस, तो ये शैडो पूरी तरह ब्लैक बनती, मेरा हाथ यहां पे बहुत साफ दिखाई पड़ता। एक तो ये प्रॉब्लम। आप कह सकते हो कि सर आपने बहुत सारी ट्यूबलाइट्स लगा रखी हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। चलो भाई थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि सारी ट्यूबलाइट्स मैंने बंद कर दी, अब मैंने एक टॉर्च ले ली, ठीक, और उस टॉर्च को मैं ऐसे कर रहा हूं, तो मेरा हाथ यहां दिखेगा लेकिन वो परफेक्टली ब्लैक शेडो नहीं बनेगी, वो थोड़ा सा ना कहना चाहिए लेस ब्लैक या कुछ डार्किश टाइप की शेडो बनेगी। एक तो ये चीज समझ नहीं आई मुझे, ठीक। दूसरा मैं लिख देता हूं, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि वाई वेव कॉन्सेप्ट, क्यों हम पढ़ना चाहते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये जो कुछ मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को लग सकता है अरे क्या सीधा फॉर्मूला बता के क्यों नहीं चल रहा है, इट इज नॉट ट्रू। रीजन इज सिंपल, जब तक हमें किसी चीज की ढंग से समझ नहीं होगी, हम बोर्ड का एग्जाम तो लिख ले जाएंगे बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन अगर आप उठा के देखो तो वो बहुत माइन्यूट लेवल पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जो है चेक करते हैं। और यहां मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले और कुछ कुछ रिजल्ट दे के आगे बढ़ जाऊं, फिर जैसे जैसे हम लोग डीप एनालिसिस में जाएंगे हमें प्रॉब्लम आएगी, खास करके जेई एडवांस लेवल के एग्जाम में, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। नॉर्मली इस पे आप लोग एम्फसाइज नहीं करते हो। चलो नाउ वाई वेव कॉन्सेप्ट, तो कुछ ऑब्जर्वेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन रे ऑप्टिक से ढंग से टैकल नहीं हुए। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट इज लाइट रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, भाई ये वी लिखा हुआ है, आर मत समझिएगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे रे ऑप्टिक से टैकल नहीं होते, इसलिए हम लोग वेव नेचर की बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है वाई शैडो इज, शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट परफेक्टली ब्लैक। एक तो ये चीज, इसका आंसर भी हम लोग क्यों वेव कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं वही छुपा हुआ है। वाई हटा दूं यहां से, चलिए अगर आप लोगों को दिक्कत है तो ये क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं, वाई हटा देता हूं। ठीक, एक स्टेटमेंट मैंने दिया कि शैडो इज नॉट परफेक्टली ब्लैक, वाई। चलिए रे ऑप्टिक्स के थ्रू इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। दूसरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा, डीवीडी आप सभी लोगों के पास होगी, मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब डीवीडी डिवाइस की बात कर रहा हूं। डीवीडी को ऐसे हाथ में आप लें और इस तरीके से घुमाएं, बहुत कलरफुल मतलब फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। अच्छा नहीं है डीवीडी, नो प्रॉब्लम, ऑयल है ना घर में, थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप ऑयल पानी पे डाल दीजिए, आप ऐसे करके देखेंगे ना,
थोड़ा सा अपने सर को टिल्ट करके मतलब आईज को, आपको कलर फिल्म दिखाई देगी वाटर की सरफेस पे। ऑयल भी नहीं आप टच करना चाहते हैं, सोप सॉल्यूशन ले लीजिए। और सोप सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए आपके वो बबल्स बन जाते हैं, उसको आप ऐसे करके ऑब्जर्व करो तो उस पर भी ना कलर फिल्म्स बनती हैं, बड़े प्यारे प्यारे से कलर्स आते हैं, ग्रीन, ब्राउन, येलो एंड सो ऑन सो ऑन। क्यों? मतलब कलर ऑफ डीवीडी सीडी, ऑटो में, ऑटो वगैरह में आपने देखा होगा ऑटो वाला पीछे कई सारी सीडी लगा देता है, और उस पर जब लाइट पड़ती है ना रात को किसी व्हीकल की, तो बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, उसे पता चल जाता है कि समवन इज गोइंग ऑन। फाइन, कलर ऑफ डीवीडी, कलर ऑफ ऑयल फिल्म और सोप फिल्म, ये भी ना रे ऑप्टिक से हम नहीं बता पाते, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम क्यों ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हमने डीवीडी हाथ में ली और ऐसे रख दी, उसके बाद मैं जैसे जैसे अपनी आई को घुमा रहा हूं तो मुझे डिफरेंट कलर्स क्यों दिख रहे हैं? वन प्रॉब्लम। सोप सॉल्यूशन में मैं जैसे जैसे अपना सर रोटेट कर रहा हूं, आईज को चेंज कर रहा हूं, तो मुझे कलर फिल्म्स क्यों दिख रही हैं, ये नहीं बता पाते हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो खैर फैशन है और खास करके आर्मी के लोग वियर करते हैं, आर्मी या फोर्सेस के, रेबैन का चश्मा, दैट आइकॉनिक चश्मा, क्या बोलना चाहिए उसको, सनग्लासेस, ठीक है। सो वो क्या होता है कि ग्लेयर को कम करता है, वो ऐसा नहीं कि लोग फैशन में लगाते हैं, इट्स वेरी सूदिंग फॉर द आईज। आप उसको लगाओ और इंटेंस हीट कंडीशन, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में मई जून का जो महीना रहता है, उस ड्यूरिंग दैट पीरियड इफ यू आर मूविंग ऑन अ रोड एंड वियरिंग दैट सनग्लास, रेबैन या कोई भी और, तो जो आंखों पे चमक आती है ना, ग्लेयर जिसको बोलते हैं, वो नहीं होती है, तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट रहता है, बेसिकली इफ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, टू व्हीलर और लाइक दैट, ठीक। तो उसको मुझे कहना चाहिए कि सनग्लासेस, हालांकि ये एक स्पेशल टाइप के सनग्लास होते हैं, पोलराइड्स होते हैं बेसिकली, सनग्लास रिड्यूसेस ग्लेयर, ठीक है। मतलब इसे हम लोग पोलराइड ग्लास बेसिकली बोलते हैं, बट ये सनग्लास बड़ा नोन सा पैरामीटर है। सो व्हाई इट इज दैट दिस फिनोमिना इज टेकिंग प्लेस, इनका आंसर मेरे पास में नहीं है, ठीक है। लाइट रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मेन कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू हम लोग इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो कुछ मैंने यहां लिखा है, मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग इस वीडियो में प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका ऑप्टिक्स ही चल रहा है, बट इट इज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स हमने करी, कुछ क्वेश्चंस किए, तो अभी हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स बेसिकली आपका एक जो टॉपिक उसमें आता है YDSE, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड विद दिस टॉपिक यू कैन से कि एक क्वेश्चन तो श्योरिटी के साथ आना ही आना है, ठीक। चलिए बात करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज इन YDSE, हम लोग यूज कर सकते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। द स्लिट विड्थ इज डी, When the velocity of electron is increased, then क्या होगा, इन चार options में से वो आपको पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए, fringe width की बात की गई है basically तीन options में, और interference होगा या नहीं होगा वो बात की गई है एक option में। सबसे पहली चीज हम लोग जरा fringe width के लिए formula लिख लेते हैं। तो fringe width का formula होता है भाई lambda d by D, ठीक। अच्छा, अभी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ऐसा हमें मिलता है किसमें से,
ऐसा हमें मिलता है आपके ये जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, यानी कि व्हेन द वेलोसिटी जो आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये बेसिकली डी ब्रोगलीज का रिलेशन है। ठीक, तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं लिख सकता हूं, चलेगा? ठीक, तो अब अगर मैं v बढ़ाऊं, v इंक्रीजिंग, तो आपको साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर की कहानी है, सो बीटा विल डिक्रीज। ठीक, तो हमें अभी से मार्क करना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज करेगी, यानी सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये रहा आपके सामने फॉर्मूला और ये रहा इसका सॉल्यूशन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर टू, इन YDSE इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट इज हाउ मच। अच्छा, इसमें मुझे अपना बेसिक वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं। I अपॉन I नॉट मेरे पास है 1/4, ठीक, I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू 1/4, और ये है भाई मेरे पास cos स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला है मेरे पास में। सो आई कैन से कि cos 5/2 आएगा 1/2, देख लीजिए, और यहां से मैं कह सकता हूं कि 5/2 हो गया π/3 या फाई हो गया 2π/3, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पाथ डिफरेंस, मैं पूरी डिटेल यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, पाथ डिफरेंस होगी लैम्डा अपॉन 2π इंटू 2π/3, तो ये मुझे मिलेगा λ/3, ये तो हो गया बेकार। इस वैल्यू को जरा यहां लिख लेते हैं, पाथ डिफरेंस ये है λ/3। ठीक, ठीक है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू λ/3। अब यहां से अगर मैं विजुलाइज करूं तो मुझे क्या देखना है, अगर मैं इसका एक डायग्राम बना लेता, बट चलिए ऐसे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो डी थीटा इज इक्वल टू दैट इज λ/3, ये पार्ट डिफरेंस आपको यहां पे दिख रहा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं λ/3d। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा साइन इनवर्स λ/3d ये वाला आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू से। सो सी इज योर करेक्ट आंसर, फाइन। Actually, sometimes we used to means solve such type of problems that you can say some formulae are required, you can say we are unable, कि दिमाग में picturization नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सबके लिए एक ही solution है, some amount of practice is required. Two beams of light having intensities I and 4I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beams is π/2 at a point A and π at a point B. Then the difference between the resultant intensities at A and B is how much? IA I plus 4 and that is equal to 4i plus, अब जब इसको अंडर रूट का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, 2 अंडर रूट, देखिए i plus 4i into cos pi, i plus 4i plus आपका आ जाएगा into, नहीं into
cos pi. ये अपना वही वाला रिजल्ट है जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, दिस वे. सो नाउ इट विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी आई, ठीक है. सो आई ए माइनस आई बी इज इक्वल टू फोर आई, ठीक है. सो रिजल्ट आपके सामने है बी, ठीक. इतने बड़े से क्वेश्चन का एक लाइन का सॉल्यूशन है, प्रोवाइडेड आपको ये रिजल्ट ध्यान रहे. When one of the slits of Young's experiment is covered with a transparent sheet of thickness 4.8 mm, the central fringe shifts to a position originally occupied by 30th bright fringe. What should be the thickness of the sheet if the central fringe has to shift to the position occupied by 20th bright fringe? Fine. Now just take a look. Mu minus 1 into T. मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे वो कर रहा हूं, इज इक्वल टू एन वन इंटू लैम्डा 5. ओके, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है. और ये नहीं, एन वन तो इसको कर देते हैं टी वन, इसको कर देते हैं टी टू, ठीक है. और फिर ये कितना हो जाएगा, एन टू इंटू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा तो चेंज हो नहीं रहा है. तो T2 अपॉन T1 मुझे मिलेगा N2 अपॉन N1, ठीक. सो T2 इज इक्वल टू T1 8 इंटू कितना है भाई, 4.8, 20 और 30. सो ये हो जाएगा 20 अपॉन 30. तो यहां से ये T2 मुझे मिल जाएगा 3.2 mm, ठीक है. 3.2 mm यानी डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, दिस वन. Question number 5. White light is used to illuminate the two slits in a Young's double slit experiment. The separation between slits is B and the screen is at distance D. From these slits, at a point on the screen directly in front of one of the slits, certain wavelengths are missing. Some of these missing wavelengths are. We have to find these missing wavelengths provided white light is used. Fine. So we have to use the idea of path difference. So path difference. Okay. Now path difference is equal to B sine theta is nearly equal to B tan theta. सोच लीजिए theta की value अगर छोटी है तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स बाई डी इज इक्वल टू b इंटू बी बाई टू इंटू वन बाई डी, ठीक है. सो डेल्टा मुझे मिलेगा b स्क्वायर अपॉन टू डी, ठीक. ये वैल्यू जरा यहां लिख देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. सो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन टू डी. For dark fringes, actually ये line मुझे लिखनी नहीं चाहिए, आपको पता होती है, ठीक है ना, ये basic concept है, but फिर भी just for the revision point of view I'm writing. Delta जो है मेरा dark fringes के लिए वो हो जाएगा 2n minus 1, ध्यान दीजिएगा, into lambda by 2, ये relation है, ठीक है. So n जो यहाँ पे है वो है 1, 2, 3, ऐसे करके आ जाएगा. सो लैम्डा मुझे मिलेगा 2 अपॉन 2 एन माइनस 1 इंटू डेल्टा, और ये वैल्यू मेरे पास है तो ये हो जाएगा
2 upon 2n minus 1 into b square upon 2d. ठीक है, तो b square upon 2d, b square upon 3d, b square upon, no, it should be b square upon d, b square upon 3d, b square upon 5d. तो अब आप मेजर कर लीजिए, तो आपका C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ये रहा आपके सामने वो वैल्यूज, तो मैच कर लीजिए, यही एक वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ऑब्वियसली 6. In YDSE, two thin transparent sheets of thickness T1 and T2 having refractive indices mu1 and mu2 are placed in front of slits S1 and S2. If mu1 T1 बराबर mu2 T2 and T2 is greater than T1, the central fringe will shift upward, shift downward, will not shift at all, becomes colored and so on. Fine. So let's try to find out कि क्या solution इसका होना चाहिए. mu1 माइनस 1 इंटू T1, ठीक, और उसी तरीके से ठीक. नाउ यूज दीज टू रिजल्ट, सो आई कैन से mu1 T1 इज इक्वल टू mu2 T2, लेकिन T2 इज ग्रेटर देन T1 है. अपवर्ड शिफ्ट, ठीक, सो अपवर्ड शिफ्ट मतलब ए आपका करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. एंड ओवर हियर यस आई कैन से दैट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अप टू सम एक्सटेंट यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दीज वेरियस सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले, क्योंकि देखो जितनी तेजी से हम लोग इसको सॉल्व करके मतलब वैल्यूज निकाल पाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है. बिकॉज हमें 60 मिनट्स मतलब 60 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स भी नहीं मिल रहे हैं. फाइन, 3 घंटे 15 मिनट का शायद एग्जाम है आपका और 200 क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो मतलब एट द मोस्ट आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिल रहा है. तो हमें प्रैक्टिस तो अपनी ऐसी करनी है कि हम क्विकली मूव कर सकें.